नमस्कार किसान भाइयों, आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, ये जो आप धान का खेत देख पा रहे हैं, ये जून के महीने में इसकी रोपाई की गई थी और आज 1 तारीख है, 1 सितंबर आज हो रहा है। तो ये 2 महीने हो रहे हैं आपके और इस खेत में काफ़ी बड़ी एक समस्या देखी जा रही है और जो लगभग हर एक किसान भाई इस समस्या से परेशान रहते हैं। इस खेत में जो समस्या देखी जा रही है किसान भाइयों, आप अगर वीडियो में देख पा रहे हैं कि एक तो इसमें कल्ले, जो धान के जो कल्ले होते हैं वो अच्छे से नहीं बने हैं और इनमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसको BLB कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचंड मात्रा में इसमें लगी पड़ी है और इसमें तना छेदक जो स्टेम बोरर जो आपका जो है, ये दोनों ही समस्या इसमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। किसान भाइयों, ये जो आपका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, ये अत्यधिक यूरिया या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या खेत में लंबे समय तक जल भराव रहे या एकदम खेत आपका सूखा रहे, तो इस कंडीशंस में ये जो आपकी बीमारी है ज़्यादातर देखी जाती है। या आप किसी दूसरे से आप स्प्रे कराते हैं और उसमें जो टंकी का प्रयोग किया जाता है, वो टंकी क्या होते हैं कि एक खेत में अगर ये बीमारी है तो फिर वो उसी टंकी से वहाँ पे आपने स्प्रे किया, फिर उसी टंकी से आप अपने खेत में स्प्रे करोगे, तो इस तरीके से बहुत सारे कारण हैं। हवाओं के द्वारा भी फैलता है। ये जो आप देख पा रहे हो, ये स्टेम बोरर के कारण ये ऐसा हुआ है। आप देख रहे हो कि बीच में से इसका जो है पत्ती कटा हुआ है, तो ये स्टेम बोरर का निशान है कि इस तरीके से अगर आपके खेत में देखा जाए तो वो तना छेदक है। और ये जो पत्ती आप देख पा रहे हो कि ये पत्ती ऊपर से सूखते हुए नीचे की ओर आ रहा है, तो ये जो है ये आपका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के कारण ही होता है। तो ये अगर किसान भाइयों किसी के खेत में लग गया है और अगर समय से ये अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये काफ़ी बड़ी विकट समस्या बन जाती है किसान के लिए। तो इसका समाधान भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसान भाइयों, वरना इसमें आपके 30 से लेकर 50% तक के नुकसान आपको उठाने को पड़ सकते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, आप खेत का बहुत ही अच्छे से देखरेख करें और किस समय कौन सी बीमारी लगी है आप उन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे अगर किसान भाई इतना मेहनत करके अगर छोटी मोटी अगर आप इसमें बीमारी आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि देखिए, ये किसान भाई जो हमारे दादाजी के उम्र के ही हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं अपने खेत में और ऐसा खेत में इस तरीके की विकट समस्या को देख कर दादाजी भी काफ़ी परेशान है कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो हमने इनको बताया है कि आप इन 2 दवाइयों का प्रयोग कीजिए कि ताकि आपको काफ़ी अच्छा इसमें निदान मिल जाएगा और इन सब चीज़ों को ही आपको ध्यान में रखना होता है किसान भाइयों, कि इतने कम मतलब जो है, मान लीजिए कि जो अभी इनका काम करने की उम्र नहीं है फिर भी ये काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं किसान भाइयों। एक आम किसान का दर्द ऐसे ही देखा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं और इनका समाधान भी हम करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं पत्तियों की नोक में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के कारण ऊपर से पत्तियां आपकी सूख कर नीचे की ओर आ रही है, इसके लिए आपको दवा देना जो पड़ेगा, इनमें आपको एंटीबायोटिक में स्टेप्ट्रोसाइक्लिन जो आपका है ये 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देना है, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%, WP ये 500 ग्राम प्रति एकड़ पे आपका पड़ेगा और ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए ये काम होगा। और जो आपका स्टेम बोरर है उसमें आप फिफ्रोनिल 80% जो आपका है WG वो 15 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं, या अगर आप फिप्रोनिल नहीं दे पा रहे हैं तो कोराजिन एक जो बहुत अच्छी दवाई है, सभी इससे अवगत भी हैं कि कोराजिन क्या होता है, तो आप फिप्रोनिल के जगह पे आप कोराजिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो 18% SC फॉर्म में आपका आता है। तो इन सब दवाइयों में और इनमें अगर आप एक टॉनिक भी डाल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि एक काफ़ी अच्छा जो टॉनिक है, मैं आपको बताऊं, चमत्कार नाम से काफ़ी अच्छा एक टॉनिक होता है, तो इनमें ये टॉनिक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है
तो इन सब दवाइयों का आप इस्तेमाल करके आप खेत में छिड़काव करें। और आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जब खेत में आप इनका छिड़काव करें तो खेत में हल्का हल्का पानी होना चाहिए, क्योंकि अगर खेत में आपके हल्के हल्के पानी हो तो आपके जो दवाई है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं किसान भाई। और ये दादाजी आप देख रहे हैं कि कितने मेहनत से इतनी भारी टंकी को भी दादाजी उठा रहे हैं, और इस आस में है कि हमारा खेत कैसे भी सही हो जाए। और हमने इनको आश्वासन दिया है कि काफ़ी जल्दी इनका खेत बढ़िया हो जाएगा, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आप ये देखिए किस तरीके से स्प्रे हो रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप भी इसी तरीके से अगर आपके खेत में इस तरीके से अगर कोई समस्या हो रखी है तो आप इस तरीके से समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि बीमारियां तो किसान भाई आजकल बहुत ही ज़्यादा, किसी भी फसल में बहुत ही ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप है। आप एक दवा नहीं दे पाते हो फिर दूसरी बीमारी उसमें चालू हो जाती है। इस तरीके से किसान भाई हर समय परेशान रहते हैं। ये देख रहे होंगे कि सामने कितना पीला पीला सा धान आपका दिखाई दे रहा है, तो ये सब आपके कंट्रोल हो जाएंगे। किसान भाइयों, ये जो बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट है ये एक जीवाणु जनित रोग होता है जो जैंथोमोनास जीवाणु के कारण फैलता है, जिस कारण से जो आपकी पत्तियां ऊपर से पीली होते हुए नीचे की ओर आ जाती हैं। और आपको इसको कंट्रोल करने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और एक एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि जो दादाजी हैं काफ़ी चिंतित में हैं और काफ़ी परेशान भी हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इससे निदान पाया जा सके। तो हम भी आशा यही करते हैं कि इनकी जो ये समस्या है ये समाधान हो जाए इस दवाई से। तो मिलते हैं हम फिर नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।